नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। स्वास्थ्य मंत्री ने मेधावी छात्रों का किया सम्मान। आज रायसेन में श्री राम परिसर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं सांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ने मेधावी छात्रों का सम्मान किया, जिसमें 60% से ऊपर लाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट एवं एक स्कूल का बस्ता प्रदान किया गया। हमारे चैनल से बात करते हुए मंत्री जी ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य है और मेरी विधानसभा में आने वाले सभी स्कूलों के बच्चों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मान किया गया है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। आज रायसेन में मेधावी छात्रों को सम्मान किया गया। यहाँ हमने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी मेरे सांची विधानसभा क्षेत्र में जिन भी बच्चों के 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं, उनको हमने सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य है। राकेश जैन, आज जो हमारे मेघावी छात्र हैं 60% से जिनके हम 10वीं में और 12वीं में आए थे, उनको सम्मान हम लोगों ने समारोह रखा था, सर्टिफिकेट भी दिए, उन्हें सम्मानित भी किया गया, उनको मनोबल बढ़ाए जिससे और आगे वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें, अपना भविष्य उज्ज्वल करें, क्योंकि बच्चे ही हमारा देश का भविष्य है, मध्य प्रदेश का और रायसेन का भी भविष्य। तो ये आपने अपनी तरफ से दिया है, शासन की तरफ से कोई ऐसा आया था? आपने अपनी तरफ से दिया है, शासन ने दिया है? नहीं, अब मैं खुद भी शासन में ही हूँ ना, इस समय तो वही है। अब मैं सोच सर्टिफिकेट सब जी। मतलब शासन की तरफ से सर्टिफिकेट। सर कुल कितने स्कूलों में कितने बच्चों को दिए गए? नहीं, मैंने सभी जो स्कूल विधानसभा क्षेत्र के जी बारहवीं पास वाले थे, मैंने कहा 60% से अधिक बच्चों को। क्या नाम है आपका? मानसी वरीन। ये बैग आपको काहे के लिए मिले? पढ़ने के लिए। कितने परसेंट आए आपके मार्क्स? 83। कौन सी क्लास में? 10। किसने दिए हैं आपको ये बैग? राम चौधरी मंत्री जी ने। हाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? जिनिया। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 8-10 किलोमीटर। कहाँ से आप लोग? कहाँ से आए? कार से। सर के साथ आए? स्कूल से आप लोग? दीवानगंज से हो। क्या मिला है आपको? क्या किया था आपने? मेघावी छात्र। कौन सी क्लास में? 10। कितना परसेंट बना आपका? 76। और आपका? 78। क्या नाम है आपका? पलक शाक्या। कहाँ से हैं आप? शासकीय उच्चतर महाविद्यालय दीवानगंज से। अच्छा, 10वीं और 12वीं के। तो क्या दिया है मंत्री जी ने आपको? सर्टिफिकेट दिया सभी बच्चों को जी, सम्मान समारोह में, और एक एक बैग दिया है टीचर्स को, नहीं ओनली स्टूडेंट्स को। क्या नाम है आपका? एम एल अहिरवार, शासकीय उच्चतर महाविद्यालय दीवानगंज।